नमस्कार, मैं भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपके बहुत सारे प्यार के लिए, क्योंकि आपके बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और उन सबको बहुत बहुत बधाई हो जिन्हें कि कॉलेज मिल गया, फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे लोगों को कॉलेज मिल चुका है, उनका मनपसंद कॉलेज। जिन्हें कॉलेज नहीं मिला है वो भी प्लीज़ निराश ना हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कॉलेज नहीं मिला है तो एक बहुत बड़ी आफत की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिए, इससे बेटर रैंक आएगा और इससे अच्छा कॉलेज मिलेगा आपको। और अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ डेंटल पर्स जरूर फॉलो कीजिए। आपको बहुत लोग बोलेंगे इससे कुछ नहीं होता है, इस ये मैंने भी पढ़ा था, सिलेक्शन नहीं होता है। वो सिलेक्शन नहीं देता आपको, बट इट्स अ बेसिक। और आपको लग रहा है डेंटल पर्स कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, लिंक पर क्लिक कीजिए और डेंटल पर्स बाई कीजिए। 5% आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा ऑन डेंटल पर्स। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे लोग अभी सुनेंगे और बोलेंगे हैं ऐसा भी होता है क्या। आज का टॉपिक है स्पोर्ट्स डेंटिस्ट्री। स्पोर्ट्स में भी डेंटिस्ट की बहुत 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 डिमांड है, नॉट ओनली इन फॉरेन कंट्री, इन इंडिया टू। अब बात कर लेते हैं कि होता क्या है। एक्चुअली जितने भी रेसलिंग गेम्स होते हैं या फिर जितने दौड़ भाग करने वाले गेम होते हैं, या सिंपल सा एक सिंपल वर्ड बोल सकते हैं आप कि आउटडोर गेम जितने होते हैं, उसमें इंजरी के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और वो क्या इंजर्ड होता है? टूथ, जॉ, फेसियल बोन। तो इस वजह से इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस। अब इसमें आप पूछोगे एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है, कौन कौन इसमें जा सकते हैं, तो ये दो कैटेगरी में आता है, ग्रुप ए ग्रुप बी। जो ग्रुप ए होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ MDS वाले को लेते हैं वो लोग, और जो ग्रुप बी होता है उसमें BDS होता है। बट आपको मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि इसमें जो सिलेक्शन होता है या फिर इसमें जो जॉब्स मिलते हैं उसमें सैलरी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको ओलंपिक्स में मिल जाता है चांस कि आप ओलंपिक में जा करके जो एथलीट हैं उनके आप डेंटिस्ट हैं, तो यू विल अर्न नियरली, आई थिंक जो लास्ट टू लास्ट ईयर का था, मतलब तो इससे पहले वाले ओलंपिक्स गेम का जो था, आई थिंक 3 ईयर में एक बार होता है, तो मतलब 6 साल पहले की बात है, तब 2 करोड़ 60 लाख रुपीज़ मिला था फॉर अ सिंगल ओलंपिक गेम। कॉमनवेल्थ की बात करें तो उसमें 57 लाख रुपीज़ मिलेगा आपको। और अलग अलग और भी हैं जहाँ पे आपको परमानेंट, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम के लिए स्पेशल डेंटिस्ट रखा जाता है, नॉट ओनली वन डेंटिस्ट, एक ग्रुप होता है डेंटिस्ट का, यहाँ भी सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ हम BDS कर लिए, MDS कर लिए तो हम जा सकते हैं इसमें? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको एक फेलोशिप करनी होगी स्पोर्ट डेंटिस्ट्री में, या फिर एक छोटा सा आप समझ लीजिए कि 3 मंथ का एक क्रैश कोर्स टाइप थिंग होता है, सर्टिफिकेट कोर्स होता है ये, स्पोर्ट डेंटिस्ट्री में आपको जाकर करना होगा। ये पुणे में होता है, पुणे में है बहुत सारे कॉलेजेस। इसका जो सबसे अच्छा कॉलेज है वो है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब पुणे, आई थिंक सो, यही है, आई एम नॉट श्योर, तो क्लेम मत कर दीजिएगा कि आपने ऐसा क्यों बोला। तो दैट वन इज़ द बेस्ट कॉलेज और इंस्टीट्यूट। उसमें एडमिशन को एग्ज़ाम नहीं देना होता, आपको कुछ भी नहीं देना होता है, जस्ट आप जाइए एडमिशन ले लीजिए। उसकी कुछ आई थिंक 25,000 और 30,000 रुपीज़ फीस होती है, और भी बहुत जगहों पे होती है। वहाँ पे जाकर के आप ये कोर्स कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट सर्टिफिकेट कोर्स होता है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स आपका एक एग्ज़ाम होता है, मतलब वही इंस्टीट्यूट आपको एग्ज़ाम लेगा कि हाँ मैंने जो आपको सिखाया वो आप ग्रैप्स कर पाए कि नहीं, आपको सब कुछ आता है कि नहीं। एक बार आपका वो ग्रैप्स हो गया, देन आफ्टर वो आप एग्ज़ाम पास की, वो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे स्पोर्ट डेंटिस्ट्री के। अब इसके फायदे क्या हैं, मैं आपको क्यों ये बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप डेंटिस्ट हो, आपने BDS किया या MDS किया, वॉट एवर यू आर डूइंग, आपने कंप्लीट कर लिया, आप 3 मंथ सिर्फ देंगे इसमें, आपके पास एक सर्टिफिकेट आ जाएगी। आपके होल लाइफ में जब भी किसी स्पोर्ट्समैन को जरूरत पड़ेगी आपकी, जैसे ओलंपिक्स में हो गया, अगर आप कम्युनिटी की बात करें तो ओलंपिक्स है, कॉमनवेल्थ गेम है, एशियन गेम्स हैं, और भी बहुत सारे इंडिया लेवल पे है, मतलब नेशनल लेवल पे है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, इन सब में जरूरत पड़ती है। तो कहीं भी अगर आपको एक मैच के लिए भी, मतलब एक सीरीज के लिए भी अपॉइंट किया गया, देन ऑल्सो यू विल अर्न नियरली 10 लाख रुपीज। तो ये आपका एक्स्ट्रा इनकम जनरेशन हुआ ना। सपोज कीजिए आप नॉर्मल डेंटिस्ट हैं, मतलब MDS करके अपने शहर में बहुत अच्छी क्लिनिक चल रही है आपकी, आपने अप्लाई किया ओलंपिक्स के लिए, आपको मिल गया, सपोज मिल गया आपको उस ईयर में, तो यू अर्निंग 2 करोड़ रुपीज ना इन 1 मंथ। 1 महीने तो चलता है बस ओलंपिक्स, 45 डेज, 45 डेज में आपने 2 करोड़ रुपए कमा लिए।
और प्लस आपकी नेम फेम सब में वृद्धि हो गई। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस वजह से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। 3 मंथ्स का होता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, यू कैन डू एट एनी टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल BDS आपने कंप्लीट किया, MDS एडमिशन लेने में नियरली 5 मंथ्स का रहता है गैप, इस बीच में आप कर सकते हैं 3 मंथ्स के लिए। और प्लस अगर आप किसी कम्युनिटी में नहीं भी जाते हैं तो भी अपने क्लिनिक पे ये लिख सकते हैं कि यू आर ए स्पोर्ट डेंटिस्ट टू, मतलब आपके वहाँ पर जितने भी लोग होंगे जो भी अच्छे Tier 1 cities हैं वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिमांड पड़ जाए, क्योंकि यू आर द सिंगल वन तो आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। तो ये फ़ायदा है और ये बहुत कम लोगों को पता होता है। सो प्लीज़ फोकस ऑन इट, आप भी कर सकते हैं। और आप सबसे मेरा अनुरोध है, जिनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया नीट बीच में, बिल्कुल निराश ना हो, आप मेरी बात माने, डेंटल पर्स बुक कर दें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए, बुक खरीदिए और स्टार्ट कीजिए पढ़ना। वो बेसिक है, अगर आप वो भी कंप्लीट कर लेंगे ना एटलीस्ट, तो आपको अच्छे प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे, एक अच्छे रैंक पे। अब आपका होता है प्राइवेट कॉलेज में 2 टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। एक होता है अच्छे रैंक वाले बच्चे, मतलब ठीक है उनका मतलब 610 पे सिलेक्शन होना था गवर्नमेंट में, बट आपको 500 मार्क्स आए, 400 मार्क्स आए, ये एक ना बहुत ही ऑनर्ड मार्क्स होता है, मतलब हाँ ये अच्छा मार्क्स है। आपको सेम कॉलेज प्राइवेट कॉलेज में मिल जाएंगे 400 वाले बच्चे भी, 400 मार्क्स वाले भी और 120 वाले भी बच्चे मिल जाएंगे, बट आपके और उनके समझ में, समझदारी में बहुत डिफरेंस होता है। सो प्लीज़ फोकस ऑन इट। ये मत सोचिए हाँ ठीक है नेक्स्ट ईयर भी मैं ऐसे ही दे दूंगा प्राइवेट कॉलेज तो किसी भी रैंक पर मिल जाएगा। नो, आप ट्राई तो कीजिए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और नहीं भी मिलता है तो अच्छे मार्क्स के साथ आप एक अच्छे कॉलेज में जाइए, दैट इज़ गुड फॉर यू ना। आपको भी एक अच्छा लगेगा कि हाँ मैं जा रहा हूँ खुद के बलबूते पे जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ प्राइवेट कॉलेज है पैसे दे रहा हूँ और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो प्लीज़ आप डेंटल पल्स का मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, अभी लिंक दे दूंगा मैं, आप क्लिक कीजिए, खरीदिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए उसको। और इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा, चाहे आप BDS हों, MDS हों या कुछ भी हो, कि स्पोर्ट डेंटिस्ट्री आपका एक साइड इनकम जॉब, और इसको साइड इनकम क्या, बहुत ज़्यादा इनकम जॉब है ये, मतलब बहुत ज़्यादा इनकम जनरेटिंग जॉब हो जाएगी आपके लिए। सो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ये काफ़ी न्यू है, बहुत लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना चाहें जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, एटलीस्ट अपने अपने क्लास ग्रुप में तो ज़रूर डालें कॉलेज के, तो वहाँ पर फ़ायदा होगा, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।